आज हम आ गए हैं फिर से यहाँ पर, देखिए गाय घाट के दूसरे छोर पे, यहाँ पटना के मरीन ड्राइव गांधी गंगा पथवे, सॉरी गंगा पथवे मरीन ड्राइव पर आ गए हैं। और यहीं से आज देख रहे होंगे पीछे, यहीं से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। और ये बहुत सुंदर दृश्य है आज पटना में, और आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत शानदार सीन है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे ब्लॉगर हैं और यहाँ पे यूट्यूब के लिए वो अपने वीडियो बना रहे हैं। और आप देखिए, आप देखिए, आप बहुत मज़ेदार सीन है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पटना के गंगा पथवे मरीन ड्राइव क्या दूसरा छोर है, और आप देखिए आप बहुत शानदार लग रहा है और बहुत सुंदर दृश्य है ये। और गंगा पथवे पे पटना के मरीन ड्राइव पे हैं हम, और आप देखिए वीडियो में यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया था पीछे से, और इधर से नॉर्थ बिहार के लिए आगे जाएगा। और यहाँ से देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं आप, ये गांधी सेतु, यहाँ पे है, और यहाँ से यू टर्न है, नीचे से भी जा सकते हैं यहाँ से पटना मेन में। और अभी ये आगे बहुत आगे बढ़ने वाला है, तो पटना का आज शान बांध शान है। और ये पटना के गांधी मैदान बाकरगंज पटना में हमारी दुकान तो है ही, और यहाँ पे हम हैं आगे हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं गाय घाट हैं। और यहाँ पर देखिए आप पटना गाय घाट के जगह से हम हैं अभी, यहाँ पे गाय घाट पे हैं गंगा पाथवे मरीन ड्राइव। यही आज बिहार के मुख्यमंत्री ने इस पथ का लोकार्पण किया है, दूसरा फेज है ये पीएमसी से गाय घाट पुल के पास से, और ये दूसरा फेज का आज यहाँ से लोकार्पण किया गया स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पे। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप देखिए ये आगे बहुत आगे तक जाने वाला है। और आप देखिए, अब यहाँ से 10 मिनट के अंदर आप यहाँ से गांधी मैदान पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे बहुत लोग हैं, और यहीं से आज उद्घाटन हुआ और बहुत शानदार दृश्य है। और गंगा पथवे की दूरी थोड़ी सी और आगे बढ़ गई, गंगा पथवे एक बहुत अच्छा सीन है। और यहाँ पे लोग पटनावासी आज बहुत, इस रोड का लोकार्पण होने से बहुत लोग खुश हैं। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में, देखिए पीछे हम आपको दिखा रहे हैं गांधी सेतु का सीन है। और यहाँ से आप देखिए, तो अभी और आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हुई, और बहुत सारे लोग पहुँचे हुए, और बहुत सारे लोग अपना वीडियो भी शूट कर रहे हैं, ब्लॉग भी बना रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आगे की ओर जा रही है, यहाँ से नीचे भी की ओर से आप ये रास्ता आगम कुआं नीचे सीधे गांधी मैदान चिड़ियाटाड़ पुल होते हुए जाता है। और आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर पीछे देख रहे हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं गंगा पथवे, और मरीन ड्राइव का ये दूसरा फेज है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बहुत दूरी सिमट गई है और बहुत लोग यहाँ से खुश हैं। और यहाँ पे देखिए आप, बहुत मज़ेदार दृश्य है, बहुत लोग इंजॉय कर रहे हैं गंगा पथवे का, मज़ा ले रहे हैं। और पटना सिटी के जाम से छुटकारा पा गए हैं आप लोग यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में मुंबई के तर्ज पे पटना में बनाया गया है, और ये बहुत अच्छे, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं लोग। और ये अपना बिहार पटना सिटी, स्मार्ट सिटी पटना, बहुत शानदार लग रहा है। आप देखिए यहाँ पे है ना, पटना स्मार्ट सिटी पटना, बहुत शानदार। तो वीडियो पूरा बने रहिए, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, गाय घाट का दूसरा फेज मरीन ड्राइव गाय घाट पास हम हैं, और यहाँ से वीडियो बना रहे हैं, और आप देख सकते हैं बहुत शानदार, अच्छा लग रहा है।
और ये मरीन ड्राइव गंगा पथवे का सीन है, और यहाँ पे कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा वीडियो में। और गंगा पथवे से हम पटना का आपको सीन दिखा रहे हैं, वीडियो पूरा देखिएगा और जरूर बताइएगा कैसा लगा। आगे का और भी सीन दिखाते हैं आपको, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स ये देखिए गाय घाट नीचे जाने के लिए रास्ता है, गाय घाट यहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही है वो गाय घाट के नीचे से आ रही है, और ये रास्ता दीदारगंज जाएगा, दीदारगंज पटना सिटी तक जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक खुश हैं, और ये यहाँ पर गांधी सेतु ये हाजीपुर जाने वाला पुराना ब्रिज है, तो आप देखिए और वीडियो में पूरा बने रहिए और आगे का सीन भी दिखाते हैं आपको। घाट नीचे जाने का रास्ता है, और ये देखिए हाजीपुर जाने का ये ऊपर वाला फ्लाईओवर है, और पीछे हमारे रह गया दीदारगंज का, दीदारगंज तक पूरा होने वाला है जो। और अभी हम यहाँ से गाय घाट से आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ से खुले, यहाँ से गाय घाट से निकले, और ये आपको गंगा पथ का पूरा सीन दिखा रहे हैं, पटना का मरीन ड्राइव स्मार्ट सिटी पटना का बहुत ज़बरदस्त लुक हो गया है, एकदम शानदार सीन हो गया है। आप देखिए ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना वासियों के लिए ये नीतीश कुमार बिहार सरकार के द्वारा बहुत अच्छा गिफ्ट दिया गया है, जाम से हो गया छुटकारा, और अब जाम से मुक्ति मिल गई है अशोक राजपथ से गुजरने वाले लोगों को, एकदम नॉन स्टॉप चलते रहना है, और मरीन ड्राइव गंगा पथवे का मज़ा लेते हुए एकदम घंटों की दूरी अब कुछ मिनटों में सिमट के रह गई है। तो बहुत शानदार यहाँ पे दृश्य है, गंगा किनारे का, गंगा का बीच का भी दृश्य देख सकते हैं। दूसरा लेन अभी चालू नहीं हुआ है, अभी एक ही लेन चालू हुआ है। आप यहाँ पर देखिए जय श्री राम का झंडा लगा हुआ है, देखिए आप जय श्री राम, और यहाँ पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है, और यहाँ पे जय श्री राम का एक और झंडा लगा हुआ है। दो झंडों के बीच में ये तिरंगा झंडा फहराया गया है। बहुत सारे लोग इससे खुश हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, और आप देखिए यहाँ पे क्या सीन बन रहा है, बहुत शानदार गंगा पथवे मरीन ड्राइव का सीन है। और गाय घाट से अभी अब दिग्गा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर ही रखी गई है रफ्तार, क्योंकि ये टू वे है, वन वे नहीं है, ये टू वे है। अभी दूसरा लेन बनने में काम अभी लगा हुआ है जोरों से, तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, और वीडियो में आगे का सीन दिखाएंगे, वीडियो में पूरा बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे का सीन भी आपको वीडियो में दिखाते हैं।